सीएमओ किन्नौर सोनम नेगी ने बताया कि जिला किन्नौर के यंगपा फर्स्ट गांव की 84 वर्ष की कोरोना पॉजिटिव महिला की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को इनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ था और 12 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण इस महिला को आईजीएमसी शिमला भेजा गया था। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को टेस्ट लिया गया था जो कंक्लूसिव था और 26 अगस्त को उक्त महिला का टेस्ट लिया गया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, परंतु दुर्भाग्यवश आज सुबह लगभग 4:30 बजे महिला की मौत हो गई और किन्नौर में कोरोना के चलते पहली मौत है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि इनका दाह संस्कार शिमला में दोपहर बाद किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिला किन्नौर में कोरोना पॉजिटिव के कुल 77 मामले हैं जबकि एक्टिव केस 21 है। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स नुमपति जी जो 84 वर्ष की थी यंगपा फर्स्ट से, ये हमारे यहाँ टेस्ट 11 को इनका सैंपल किया गया था, 12 को ये टेस्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद में क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रही थी, इसके चलते डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल DDU शिमला भेजा गया था। वहाँ से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते तो वहाँ से ये IGMC चली गई थी और इनका टेस्ट हुआ था 25 को, तो टेस्ट में ये मालूम हुआ कि इनकन्क्लूसिव है। 26 को दोबारा टेस्ट होने पे ये कोविड तो नेगेटिव पाई गई। इनकी बेटी भी थी, इनका नाम है राजकली, जो 42 साल की इनके साथ ही थी, तो दोनों लोगों का टेस्ट हुआ था, ये 25 को नेगेटिव हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कल, जैसे अभी मैंने IGMC से पता किया, सेप्टिक शॉक होने की वजह से सुबह 4:30 बजे के आसपास में इन्होंने अंतिम सांस लिया, तो कोविड के चलते ये मुझे लगता है कि किन्नौर का पहला दुर्भाग्यवश मौत है। तो ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो गया है। बट देन टोटल आपको मालूम है 70 केसेस टोटल हमारे हैं और इसमें से एक्टिव केस 21 हैं। जो नुमपति जी जिनका देहांत IGMC में शिमला में हुआ है, तो इनका हमें मालूम हुआ है कि दाह संस्कार शिमला में ही, जब इनके परिवार के सारे लोग शिमला पहुंच जाएंगे, आज दोपहर बाद 4 बजे के बाद होना निश्चित हुआ है, ऐसे विश्वस्त सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है। धन्यवाद।